आलिया भट्ट की फिल्म गंगूबाई काठियाबाड़ी का इंतजार लंबे समय से हो रहा है। फिल्म के ट्रेलर में आलिया भट्ट को जबरदस्त काम करते हुए देखा गया था। अरे जब शक्ति, संपत्ति, सद्बुद्धि ये तीनों ही औरतें हैं, तो इन मर्दों को किस बात का गुरूर। फिल्म के गानों को भी फैंस काफी पसंद कर रहे हैं। वर्लिन फिल्म फेस्टिवल में गंगूबाई काठियाबाड़ी का प्रीमियर होना है। अब फिल्म के डायरेक्टर संजय लीला भंसाली ने इस फिल्म के बारे में बात की है। संजय लीला भंसाली ने बताया कि गंगूबाई काठियावाड़ी की स्टोरी पहली बार सुनने के बाद आलिया भट्ट का रिएक्शन कैसा था। अपने नए इंटरव्यू में भंसाली ने बताया कि आलिया फिल्म की स्टोरी को सुनने के बाद उनके ऑफिस से अपना बैग लेकर भाग गई थी। भंसाली ने ये भी कहा कि उन्होंने भंसाली प्रोडक्शन की सीईओ प्रेरणा सिंह से कहा था कि उन्हें नए एक्ट्रेस ढूंढनी पड़ेगी। भंसाली ने आगे बताया कि अगले दिन आलिया भट्ट ने उन्हें कॉल किया था और कहा था कि उनसे मिलना चाहती है। भंसाली बोले, मैंने उन्हें कहा मुझे ना बोलने के लिए आपको मुझसे पर्सनली मिलने की जरूरत नहीं है। इस पर आलिया हंस पड़ी थी। फिर आलिया ने कहा कि वो वही करेगी जो भंसाली उनसे करवाना चाहते हैं। संजय लीला भंसाली ने फिर आलिया भट्ट से कहा, अनजाने में कुएं में कूद जाओ क्योंकि मुझे भी नहीं पता कि मैं क्या करूंगा। संजय लीला भंसाली की बनी गंगूबाई काठियावाड़ी एक पीरियड फिल्म है। इस फिल्म में गंगूबाई की कहानी दिखाई गई है। गंगूबाई 60 के दशक के पावरफुल और इज्जतदार माफिया क्वींस में से एक थी। वो मुंबई की रेड लाइट एरिया कामाठीपुरा पर राज किया करती थी। आलिया भट्ट इस फिल्म में गंगूबाई का लीड रोल निभा रही है। इस बायोग्राफिकल क्राइम ड्रामा फिल्म को भंसाली ने लेखक हुसैन जैदी की किताब माफिया क्वींस ऑफ मुंबई के एक चैप्टर पर आधारित है। इस फिल्म से टीवी एक्टर शांतनु महेश्वरी डेब्यू कर रहे हैं। फिल्म में अजय देवगन करीम लाला का रोल निभाते नजर आएंगे। फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी के बारे में भंसाली ने कहा, ये एक ऐसी औरत की कहानी है जो वेश्यावृत्ति में फंस जाती है और फिर कैसे इससे लड़ाई करती है, कैसे वो औरतों की इज्जत, वेश्यालयों की लड़कियों के समाज में अपनाए जाने के लिए लड़ाई करती है। वो वेश्यावृत्ति के प्रोफेशन को कानूनी बनाने की मांग करती है। और ये सब तब हुआ था जब फेमिनिज्म और नारी सशक्तिकरण जैसी चीजें नहीं थी, लेकिन मुझे लगता है कि वो अपने समय से काफी आगे थी।